मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA के समर्थन में नगर के सराय भवन में आयोजित गणमान्य नागरिकों की संगोष्ठी में सांसद गोड़मल नागर ने कहा कि इस कानून के बारे में कांग्रेस सहित विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। यह कानून किसी भी नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का है। सांसद ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यों में बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कांग्रेस और उनके साथी पीठ पीछे लोगों को भड़काकर देश में अराजकता फैला रहे हैं। सांसद रोड़मल नागर ने संगोष्ठी में इस कानून की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, देश के दोनों सर्वोच्च सदन से पास हुआ बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है, जिसको देश की हर राज्य सरकार को मानना अनिवार्य है। जो राज्य सरकारें इसे लागू नहीं करने को कह रही है, वह संविधान का उल्लंघन कर रही है। सांसद ने कहा कि देश में इस कानून को लेकर जनता में जिस तरह भ्रम फैलाकर सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया, ऐसे लोगों को देश की जनता देख चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस में दम है तो सामने आकर कहे कि वो धारा 370 वापस लागू करेंगे। तीन तलाक कानून, जिन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि इस कानून में समर्थन में घर घर जाकर लोगों को जानकारी दें, वही इसके समर्थन में 19 जनवरी को ब्यावरा में आयोजित पैदल मार्च में शामिल होने की अपील की। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जो लोग शरणार्थी आ गए हैं भारतवर्ष में, जो पहले से ही रह रहे हैं कहीं ना कहीं रह रहे हैं, कहीं ना कहीं सब छुपा रहे हैं या पड़े हुए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का सवाल है। कोई नया व्यक्ति बाहर से आने वाला नहीं है। पांच साल पहले जो लोग आ गए उनको नागरिकता देने की बात है। और जो अराजकता लोग फैला रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा देने के लिए हर गांव से, अपने कार्य क्षेत्र में जितने गांव हैं, हर गांव से वहां से भाई बहन आए अपने अपने वाहनों में, जिसके पास ट्रैक्टर है, ट्राली है, जीप है, जो जो छोटे, वहां पर कोई प्रताड़ित कर नहीं सकता। जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम धर्म को मानता है, उसके लिए वहां पर कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इस्लाम को मानने वाले लोगों का इसमें समावेश नहीं किया, क्योंकि धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित होकर के लोग आ रहे हैं। रहा सवाल जो यहां इस्लाम को मानने वाले लोग भारतवर्ष के हैं, उनके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है, उनके लिए कोई विषय ही नहीं है। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना है, इनके चेहरे उजागर करना है कि लोगों के साथ में खड़े आप, कि लोगों के साथ में खड़े भटका रहे हैं, विषय को भटका रहे हैं, बरगला रहे हैं लोगों को। इसलिए आप सब लोगों से हमारा आग्रह है, ये कानून इस देश के हित में है, इस राष्ट्र के हित में है, हमारी अस्मिता के हित में है, हमारी गंगा यमुनी जो संस्कृति है इसके हित में है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हमने सबको संरक्षण दिया है। अभी पिछले 5 सालों में हमने कई मुस्लिम भाइयों को नागरिकता दी है हुआ, और धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इन लोगों की प्रताड़ना हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है। पाकिस्तान ने भी तय किया था कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, लेकिन 5 साल में उन्होंने तय कर लिया कि हम इस्लामिक राष्ट्र होंगे। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये इस्लामिक राष्ट्र है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।